हेलो गाइस, वेलकम है आज नई वीडियो में। आज प्लान है कि सीख कबाब बनाए। तो मैरिनेशन जो है ना, वो अब मैंने जो लास्ट वीडियो में की थी सीख कबाब की और चपले कबाब वाली, वही कीमा हम यूज़ कर रहे हैं आज। तो आज हालांकि सर्दी भी है, ठंड भी है, लेकिन थोड़ा सा मौसम कल से बेहतर है। कल तो बारिश होती रही सारा दिन, तो आज ज़रा थोड़ा सा मौसम बेहतर है। तो फैमिली की तरफ से फरमाइश है कि आज सीख कबाब बनाए, तो चलो आज शुरू करते हैं सीख कबाब। तो आज आपको मैं दिखाना, ये तकरीबन 2 किलो के करीब कीमा है, ठीक है। ये देखो वही मैरिनेशन है, सेम, कोई चेंजेस नहीं है। तो चारकोल पे बनाएंगे, मैं आग लगा देता हूँ। आ जाए इधर, मैं आपको इसके अंदर ना जीफी मिलती है, इधर लोकल हमारे वो फ्यूल का काम करती है, इसके अंदर आप देते हैं, फिर जो है ना वो कोले जो है ना वो साथ साथ चलते रहते हैं। ये देखिए, मैं दिखा सकूँ तो ये वाइट कलर की होती है। ये देखिए वाइट कलर का ये फ्यूल होता है, होती है, इसमें रख देते हैं, ड्राई होती है। आप कैंपिंग में भी लेके जा सकते हैं, और कहीं भी अगर विंडी है तो नीचे रख के 3-4 आसानी से आप इनको कर सकते हैं। दो क्या तो मौसम जो है ना है सर्दी है, लेकिन फिर भी जो है ना वो करना चाहिए। जब तक आग लगती है तब तक हम सीख कबाब लगा लेते हैं। बारबी के हिसाब से इसका रखेंगे हिसाब का, और जो है ना ये आग तक जाएगी मीटिंग में, ठीक है। तो कटेंगे इससे, लाइन डाल देंगे, क्योंकि इतनी सर्दी है, ठंड है, ये साथ मैंने ब्लोअर रखा हुआ है, अगर आग ना चली तो इसके साथ भी हम इसको ना थोड़ी सी आग को करेंगे। काटेंगे जैन डालेंगे, बेहतरीन सीख कबाब जो ना हो जीवन एक साथ।
बॉल बना के ग्रिल में डाल के आप थोड़ी देर के बाद, दिनों के बाद आज ना मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है इधर, तो वरना तो हमेशा जो है ना वो पिछले पूरे हफ्ते से बारिशें होती रही इधर। इस दौरान हमारी सर्दियां भी काफ़ी लंबी गई हैं, ये भी मैं ये लगा के तो बाकी मैं बाद में करूँगा, पहले आपके लिए ना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए थोड़ी आग लग गई, तो अब इसको ना करके साथ साथ जो ना वो खिला देंगे, जो बड़े बड़े कोयले ना वो ऊपर आ देंगे। ठीक है, बड़ी मज़ेदार जो है ना वो तपिश है इस फसल की। क्योंकि एक तो बाहर हल्की सर्दी है और देखें काफ़ी विंडी है इधर, हवाएं चल रही है, रफ्तों के पत्तों से अंदाज़ा हो रहा है आपको। तो ये है अभी सारी ठंडी हवाएं, सारा बीच है हमारे पास, साथ ही बीच है 2-3 मिनट की ड्राइव पे, तो बीच की वजह से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो इधर काफ़ी सर्दी होती है, तो हमारे घर के पास भी बीच है, काफ़ी सारे बीच हैं, 3-4 बीच लगते हैं जो काफ़ी फेमस है, तो उस वजह से भी ये एरिया काफ़ी ठंडा है। वहाँ सर्दियों में मज़ा आता है इधर, लेकिन गर्मियों में इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन सर्दियों में इधर जो है ना वो बहुत सर्दी होती है। गाइस सभी कोले हो गए, तो अब शुरू करते हैं कल करना। आग लग गई ना इसके ऊपर, इसको साइड पे कर देते हैं, आग जो है ना वो जला देती है कोई भी बारबेक्यू। देखिए और कोले अच्छी तरह आपके पक जाए, हीट आ जाए,
सेम वही मसाला जो मैंने सीख कबाब के लिए भी बनाया था और हम इसका उसके चपली कबाब के लिए अब यही मसाला जो है ना कीमे का वो हम यूज़ कर रहे हैं सीख कबाब के लिए। अगर आपने अपने रिश्तेदारों को ट्रीट देनी है तो देसी घी लेके ना ब्रश के साथ उसके ऊपर ये हल्का हल्का इसको कुक होने के बाद जब ये तकरीबन 70-80% कुक हो जाए तो देसी घी लेके मेल्ट करके ब्रश के साथ इसके ऊपर लगा दें, बड़ी अच्छी स्मेल आएगी। हम लोग ज़रा कम ही यूज़ करते हैं देसी घी, ऑलरेडी काफ़ी फैटी है तो कदर आना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। गैस ये देखें ये तकरीबन डन है, अब इनको निकालने का टाइम आ गया, कोशिश करें इकट्ठे लगाए, इकट्ठे लगा के इकट्ठे ही निकाल लें। तो अभी मैं निकाल के तो आपको दिखाता हूँ, गैस ये देखें हम निकालते हैं थोड़ा सा इसको, निकालने के लिए हल्का सा इसको इधर से ये इधर से लग जाता है, चिमट जाता है। एक भी टूटा नहीं है, ये सीखे गरम इसको ऐसे पकड़ लेते हैं। ये निकालते हुए गाइस आ जाएं आप भी हमारे साथ टेस्ट कर लें, खा लें आके, ये देखें कितना जूसी, और ये देखें बड़ा, ये देखें चटनी के साथ। बहुत टेस्टी बना है, बाकी अपने मुंह क्या मैं तारीफ करूं, कोई और खाएगा तो मज़ा आएगा, पता लगेगा सही टेस्ट का। ठीक है गाइस आपसे मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइस थैंक यू, आपने वीडियो देखी अंत तक, और नेक्स्ट टाइम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआओं में याद रखें।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम वीडियो में।